नाजुक हालात हैं, तो प्रशासन की क्या तैयारी है? सबसे बड़ी जो समस्या आपकी दिनों में आ रही है वो राशन और उसको लेकर लोगों में थोड़ा सा पैनिक है, कैसे दूर होगा? जी, इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि ज़िला कपूरथला में जो हमने कर्फ्यू रिलैक्सेशंस के टाइम रखे हैं, पहले मैं वो सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ आपके माध्यम के थ्रू। हमने ये इंश्योर किया है कि सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक जो केमिस्ट शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी, वहाँ पे लोग जाके दवाई खुद ले सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास कुछ केमिस्ट शॉप्स ऐसी हैं जो होम डिलीवरी भी करना चाहती हैं, वो लिस्ट मेरे पास आ गई है, वो भी हम कल से शुरू करवा देंगे कि होम डिलीवरी 2 से 6 बजे तक, दोपहर को 2 से 6 बजे तक, जिसमें हमने होम डिलीवरी अदरवाइज़ ओपन की हुई है, उसमें वो घर जाके होम डिलीवरी भी हो जाएगी। जो करियाने की बात है, करियाने के लिए हम सबके पास अपने राशन की दुकान का नंबर होता है, हमने एक डायरेक्टरी भी साथ में बना ली है जिसमें आपके मोहल्ले की राशन का दुकान का नंबर मोबाइल नंबर होगा, आप उन पे कॉल करिए, वहाँ से होम डिलीवरी की जाएगी दोपहर को 2 से 6 बजे तक। दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर पे ही हम राशन मुहैया करवाएंगे। सिमिलरली सब्जियों के लिए भी डिलीवरी का टाइम हमने 2 से 6 बजे तक रखा है, हमने हर वार्ड वाइज वहाँ पे सब्जी की रेडी वाले जो हैं उनका सिस्टम कर दिया है। साथ में हमने इंश्योर करा है कि अगर किसी जगह पे अगर रेडी वाले नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि ये पिछले 2 दिनों में हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि सब जगह नहीं पहुँच पा रहे, अब हमने साथ में छोटे व्हीकल्स भी शुरू करवा दिए हैं कि वो मोहल्ले मोहल्ले जाके साथ में सब्जी जो है 2 से लेकर 6 बजे तक सब्जी और फ्रूट जो है वो सबको मुहैया करवाएं। डेयरी का जो सिस्टम है हमने सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक रखा है, जिसमें जो मिल्क वेंडर्स हैं वो घर घर जाके दूध देंगे, जो उनका पहले सिस्टम चल रहा था। उसके अलावा डेयरीज भी उस टाइम पे हमने ओपन रखी हैं कि अगर जो लोग डेयरी से दूध लेना चाहते हैं, दही लेना चाहते हैं, वो वहाँ जा सकते हैं। इसमें इंश्योर किया गया है, मेरे ख्याल आप सबने नोटिस भी किया होगा कि अब डेयरी केमिस्ट शॉप्स के बाहर लोगों ने सर्कल्स बना लिए हैं, शॉप ओनर्स ने भी, और वहाँ पे लोग डिस्टेंस मेंटेन करके अब खड़े होना शुरू हो गए हैं, विच इज़ मोस्ट रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट, अगर हमने कोविड से अपने आप को बचाना है कि सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करनी है। ज़रूरी ये नहीं कि हमेशा हमें साथ में रहना है, सबको सब मिलेगा, बट थोड़ा सा हम डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। साथ में हमने ये इंश्योर किया है कि पशुओं की जो तूड़ी का सामान है, चाहे उनकी लोडिंग अनलोडिंग होनी है या दुकानें खुलनी है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए हमने मिडनाइट के 2 बजे से वो काम शुरू कर दिया है, क्योंकि यूजली किसान जो हैं वो आधी रात से ही वो काम शुरू करते हैं, मिडनाइट 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक उनकी दुकान खुल सकती है, वहाँ से किसान सामान ले सकते हैं। सिमिलरली पोल्ट्री फीड और कैटल फीड के लिए भी हमने हफ्ते में 2 दिन, बुधवार और शुक्रवार, उनका खोलने का समय रखा है, उनकी अनलोडिंग लोडिंग का टाइम हमने सेम ही रखा है, मिडनाइट 2 से लेकर 8 बजे तक के लिए। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक्स हैं वो हमने इंश्योर किया है कि सारी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए खुले रहें, उनमें कुछ ऐसा हमने नहीं रखा, वो 24 घंटे खुल सकते हैं, क्योंकि कभी किसी टाइम पे इमरजेंसी आए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी उसको टेकअप करने के लिए ईजिली कंट्रोल कर सकें सिचुएशन को। बैंक्स की जहाँ तक हम बात करते हैं, सबसे पहले ATMs की हम बात करें तो वो सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक हर रोज़ खुलेंगे, अगर किसी को पैसा निकलवाना है, कैश निकलवानी है या कोई और ट्रांजेक्शन ATMs के थ्रू करनी है, क्योंकि यूजली आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बैंकिंग में करते हैं, बट अगर ATM के थ्रू भी हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, देर आर न्यूमरस ट्रांजेक्शन जो ATM के थ्रू होती हैं। सो एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 5 to 8 AM ATM सारे खुले रहेंगे। फॉर फर्दर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, बैंक्स जो हैं पूरे ज़िला कपूरथला में, हर एक बैंक की, इन द अर्बन एरियाज़ हर एक बैंक की एक ब्रांच खुली रहेगी, और जो रूरल एरियाज़ है वहाँ हमने क्लस्टर बना दिए हैं 4 बैंक्स का, कि उस हिसाब से वो खुलेंगे। पूरे हफ्ते में वो 2 दिन, वेनसडे को और फ्राइडे को, दोपहर 2 से लेकर 6 बजे तक बैंक्स खुले रहेंगे, उसमें आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ज़िला कपूरथला में हमने कर्फ्यू पासेस जो हैं अब ऑनलाइन भी साथ में शुरू कर दिए हैं, आप हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं curfewpasskapoorthala@gmail.com पे, आप उसमें अपना नाम दीजिए, अपना पास जिस दिन का आपको चाहिए वो दीजिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए, और आपका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, सो वील इंश्योर, और ये हमारा सिस्टम स्टार्ट हो चुका है कपूरथला सब डिविजन में, तो खासकर कि आपको ऑनलाइन ही पास मिल जाए रादर देन कि आप ऑफिस में आइए। सेम ईमेल जो है, जैसे curfewpasssultanpurlodhi@gmail.com वो भी एक्टिवेट हो गया है, curfewpassbhulak.com@gmail.com वो भी एक्टिवेट है, curfewpassphagwada@gmail.com वो भी एक्टिवेटेड है। सो रादर देन कमिंग टू द ऑफिसेज, आप कोशिश करें कि आप ऑनलाइन ही उसकी डिलीवरी कराइए, इट विल बी सेफ फॉर यू, इट विल बी ईजी फॉर यू।
सिमिलरली पासिस की जहाँ तक बात आती है, फूड से रिलेटेड कोई भी पासिस जो चाहिए, फूड ग्रेन्स की मूवमेंट से रिलेटेड, वैसे वी हैव इंश्योर्ड इन द डिस्ट्रिक्ट की एसेंशियल मूवमेंट्स की जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उस पर कोई रोक नहीं है, वो आराम से होएगी। वो पुलिस के साथ पूरी कोऑर्डिनेशन में चल रहा है। पोटैटो ग्रोअर्स का जो प्रॉब्लम एक उनको आ रहा था कि हमारी मूवमेंट ड्रग्स की हो, वी हैव इंश्योर्ड कि उसके लिए पास की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स एन एसेंशियल सर्विस, एसेंशियल गुड आइटम, तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो विदाउट परमिट भी चलती रहेगी। बट अदरवाइज अगर कुछ हमें पासिस की ज़रूरत है, जैसे करियाना होल्डर्स को होम डिलीवरी बॉयज के लिए पासिस की ज़रूरत है एंड फूड ग्रेन्स की और कोई पासिस की रिक्वायरमेंट है, तो वो DFSC इज़ द नोडल पर्सन जिनके थ्रू वो पासिस बनाए जाएंगे। देन हमने पूरे ज़िला कपूरथला में 60 and 60 ईयर्स के अबव एज ग्रुप के लिए वी हैव स्टार्टेड द फैसिलिटी कि उनको होम डिलीवरी हो, चाहे वो मेडिसन्स की हो, चाहे वो सब्जी की हो या राशन की हो। इसमें कपूरथला सब डिवीज़न में ही हमारे पास करीबन 30 से 35 हम अभी तक हमें फ़ोन कॉल्स आए हैं, और हमने उन सबको थ्रू वॉलंटियर्स आगे रख के हमने उन सबको बेसिक फैसिलिटी मुहैया करवाई है। सिमिलरली बाकी एरियाज़ पे भी शुरू हो रहा है। द होल आइडिया इज़ क्योंकि जो ओल्ड एज ग्रुप है दे आर मोर सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शन अदरवाइज ऑल्सो, तो उन्हें बाहर निकलने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। होम डिलीवरी जो अदरवाइज़ हमारा सिस्टम है उसमें उनको तवज्जो दे के कि उनको सबसे पहले सामान मिलता रहे। द ओनली थिंग इज़ कि जो डिलीवरी टाइम है वो हमारा 2 से 6 ही है, हमने होम डिलीवरी इसी में इंश्योर करनी है। सो वी आर ट्राइंग कि रियल टाइम बेसिस पे हम सबके जो हैं डिमांड्स का भुगतान कर सकें। जो LPG डिलीवरी है, जो घर घर जाके गैस डिलीवर होनी है, उसका टाइम पहले हमने सिर्फ 2 से 6 बजे तक रखा था कि वो होम डिलीवरी होएगी, बट सिंस एरिया काफ़ी कवर करना पड़ता है तो अब हमने वो मॉर्निंग जो हमारा 5 से 8 का टाइम है उसमें भी इंश्योर कराया है कि आपको गैस सिलेंडर जो है वो घर पर डिलीवर हो जाएगा। मैडम ये तो सारा कुछ हो गया लोगों दिया सुविधा बनाने जरा कपूरथला प्रशासन पुख्ते इंतजाम करें, पर कुछ परिवार है जिन्हें कामकाज बंद पे हुए हैं, उन्होंने कपूरथला प्रशासन की कर जी जी उसके लिए अब सरकार की बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन भी आ गई है कि हमें राशन किट्स देनी है, लेकिन साथ साथ में क्योंकि ये हमारा 3-4 दिन से काम शुरू हुआ है तो हमने साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस के साथ मिलकर राशन किट्स बनाई हैं और वो हम कुछ स्लम्स एरिया में वो हम सारे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करवा चुके हैं। क्योंकि लिस्ट जो है वो थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन कुछ कंट्रोल रूम में भी हमारे पास इस तरह के फ़ोन कॉल्स आए हैं, वो हम क्रॉस चेक करके कि जेन्युइन इंसान को ही हमेशा राशन मिले, क्योंकि जेन्युइन बंदा कभी कभी कॉल नहीं कर पाता है और बाकी कॉल्स आ जाते हैं, वो हम इंश्योर करा रहे हैं कि साथ साथ में सप्लाई हो। मेरी टीम अभी भी गई हुई है, काफ़ी एरियाज वो कवर कर भी रहे हैं, सो वी आर ट्राइंग कि हम उसको ज़्यादा एक्सपीडाइट करवा सकें। मैम अगर दो सेक्शन में बांटा जाए तो रूरल है और एक अर्बन है, अगर अर्बन में जैसे वार्ड नगर काउंसिल है या कॉर्पोरेशन है तो ऐसे कोई हेल्पलाइन, क्योंकि आप जितना भी बता रहे हैं उसको स्प्रेड आउट करना, क्योंकि बाहर की सर्कुलेशन कम है, तो कुछ ऐसी हेल्पलाइन रूरल और अर्बन के लिए हमारी जी डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक तो हेल्पलाइन नंबर चल रहे हैं, फिर सब डिविजन लेवल के हेल्पलाइन नंबर चल रहे हैं, उसके साथ साथ मैं आज एक और डायरेक्टरी निकाल रही हूँ जिसमें वार्ड वाइज, सबसे पहले वार्ड वाइज कि वहाँ पे अगर कोई ग्रॉसरी की प्रॉब्लम है या आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स की प्रॉब्लम है तो देन वार्ड वाइज एक नंबर डेजिग्नेट कर रहे हैं कि आप उस पर कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिमिलरली विलेज वाइज भी हम लंबरदार का नंबर और जो वहाँ का मौजूद इंसान होगा जो हमारा पंचायत सेक्रेटरी का होगा पर विलेज, हम उनका नंबर भी उसमें साथ में डाल रहे हैं। दिस लिस्ट विल बी रिलीज बाय टुडे इवनिंग एंड इट विल बी वेल सर्कुलेटेड टू एवरीबडी थ्रू योर मीडियम ऑल्सो, कि सब लोगों को पता हो कि अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें किसको कॉन्टैक्ट करना है और अकॉर्डिंगली हम उसको और स्ट्रीमलाइन कर सके। इसके साथ मैं एक और चीज़ और बताना चाहती हूँ, क्योंकि दुआबा एरिया में खासकर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आया हुआ है कि वी नीड टू इंश्योर कि हमारे हर पिंड में स्प्रे हो, तो वो स्प्रे जो है, स्प्रेइंग एक्टिविटी जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। वी हैव कवर्ड मैनी एरियाज, जो लोकल बॉडीज है इन अर्बन एरियाज दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड स्प्रेइंग इन एवरी रूट एंड कॉर्नर, सो वो हम साथ साथ में क्लियरेंस सारी करवा रहे हैं। वी आर इंश्योरिंग कि जितना भी कचरा वगैरह है वो साथ में साफ होता रहे। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हम इस सिचुएशन को प्रॉपरली मीटअप कर सकें, और आप सबके सहयोग की ज़रूरत है कि जो एक नॉर्म्स बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उसमें काइंडली हमारे साथ आप पूरी कोऑपरेशन कीजिए। वी आर इंश्योरिंग यू कि अगर कहीं सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरे पास एक और मुद्दा भी आ रहा था, जैसे केमिस्ट एसोसिएशन का डिमांड था कि हमारी फीडिंग जो इंडस्ट्री है वो जलंधर है, वहाँ से ही उनको मैक्सिमम सप्लाई आती है, तो वो हमारा कोऑर्डिनेशन जलंधर के साथ हो गया है होलसेल मार्केट के साथ कि उनको रेगुलरली सप्लाई आते रहे कि हमें दिक्कत ना बढ़े। सिमिलरली करियाना एसोसिएशन के साथ भी हमारा पूरा टाई अप है
जहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आएगी विल इंश्योर कि सप्लाई पैटर्न हमारा बिल्कुल क्लियर चलता रहे। आपकी सवाल है जी, आपकी सजेशन भी है, क्या कपूरथला प्रशासन एक नई पहल के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप वार्ड में बना सकता है, जैसे कि दो गलियां इकट्ठी होगी, एक मोहल्ला इकट्ठा होगा, तो हम इसको एक्सपेरिमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। सिंस मैं कह ही रही हूँ कि हम वार्ड वाइज जो है वो फ़ोन नंबर तो डेजिग्नेट कर रहे हैं, एंड दिस वी एज्यूम ऑल्सो कि वो फ़ोन नंबर व्हाट्सएप पे भी लोगों ने काफ़ी उसके ऊपर मैसेज ड्रॉप करने ही हैं, बट सिंस वी कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग कि यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑल्सो कि लोग जो हैं वो उसी समय जो हैं मैसेज भी ड्रॉप कर लें, एंड अकॉर्डिंगली हमारे भी जो मौजूद इंसान हमने लगाए हुए वो देख सकें कि हाँ ये कंप्लेंट आई है और इसका साथ साथ में निपटारा हो जाए। जी ए भी मेरे को हूँ न्यूज़ आनी शुरू हो गई है कि जी इस तरह की काला बाजारी का काम शुरू हो रहा है। आई थ्रू योर मीडियम आई एम टेलिंग यू दैट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स लीगली, जो स्टेप्स बनते हैं कि किसी तरह की कोई काला बाजारी और फालतू के रेट चार्ज ना हो। आज फगवाड़े, कल फगवाड़े सब्जी मंडी में हमारे को ये इशू आ रहा था कि रेट बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं। आज हमने वहाँ पे अभी हैव जस्ट कॉट द कॉल फ्रॉम SDM कि आज हमारी स्पेशल टीम वहाँ पे लगी हुई है और रेट्स जो है हम काफ़ी हद तक उसको ठीक कर पाए हैं। ये सारी जो हमारी मुहिम है ये साथ साथ चलती रहेगी। असेंशियल जहाँ तक बेसिक सर्विसेज करवाना है, करवाना मुहैया करवाना ज़रूरी है, वहाँ साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि किसी तरह का फालतू रेट जो है वो लोगों को ना लगे, उसके लिए वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड द स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन ऑन इट। जो ब्रेक किया जा रहा है क्या वो थोड़ा सा उसको डिफाइन कर दें, क्या चीज़ पर ब्रेक किया जा रहा है और वो कितना इफेक्टिव है और कितनी देर तक वो इफेक्ट में रहता है? सो बेसिकली दिस इज सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे है जो जिसकी सप्लाई हमने पिंडो और अर्बन एरियाज में PACL के थ्रू भी मंगवाई है। एल्कलीज डिपार्ट जो है हमारा पंजाब एल्कलीज उनसे सप्लाई हुई, इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनिशिएटिव। सिंस दुआबा में NRI बेल्ट है ये हमारी, तो वी नीड टू इंश्योर कि ट्रैवलर्स हमारे काफ़ी हैं, सो वी नीड टू इंश्योर कि ये सब जगह स्प्रे किया जाए। करीबन अर्बन एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 40% मेरा आज का अभी तक फिगर निकल गया है जिसमें हमने स्प्रे कर दिया है। सिमिलरली पिंडों में भी हमारा इतना विद इन 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज वी आर इंश्योरिंग कि हमारा हर एक विलेज जो है वो कवर हो जाए, और जो 40% का हमारा रेशो आया है अभी अर्बन एरियाज़ का वो भी विद इन अ वीक हमारा जो है मैक्सिमम हम 100% तक पहुँच पाएँ। ये मैडम जो स्प्रे किया जा रहा है तो ये किसी तरह से ह्यूमन बॉडी से जो पर हार्मफुल तो नहीं है? देखिए वैसे तो कोई ऐसा हार्मफुल नहीं है, बट देन यू नो वी आर ऑलरेडी वेयरिंग मास्क, एक स्मेल ज़रूर आती है, एक फाउल स्मेल अगर आप कभी भी देखेंगे, इनफैक्ट मेरे कमरे में भी आपको हल्की सी स्मेल आ रही होगी। सो वो जब भी हम कोई स्प्रे करते हैं दिस इज़ अ वेरी लॉजिकल थिंग कि हम उस टाइम थोड़ी देर के लिए कमरे में ना रहें 5-10 मिनट के लिए कि एक बार वो सबसाइड हो जाए। सो ये तो इंश्योर करना ही है हमको। थैंक यू।